हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल निधिज आर्ट। अब इन दिस साइड निधि। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर वेरी गुड। सो आज मैं किस टॉपिक पर ड्राइंग करने वाली हूँ ये ऑलरेडी आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा। सो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। सो उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ग्रिड बनाना स्टार्ट कर दिया है। सो अगर आपको ये जानना है कि मैं ग्रिड के लिए किस ऐप की हेल्प लेती हूँ, किस से बनाती हूँ, कैसे बनाती हूँ, कैसे मैं स्केल्स में वो मेज़रमेंट लेती हूँ, तो मैं आपको पूरी की पूरी नॉलेज पूरी की पूरी इस पर वीडियो बनाकर दे सकती हूँ। तो इसके लिए जल्दी से बहुत सारे कमेंट कर दो ताकि मैं ये वाली वीडियो लेकर आ सकूँ आप सब लोगों के लिए। तो जल्दी से सारे के सारे पॉइंट लोकेट करने के बाद में मैं यहाँ पर लाइंस बनाना स्टार्ट कर दूंगी और सारे के सारे जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबको अटैच करूंगी ताकि हमारी पूरी ग्रिड बनकर तैयार हो सके। देन उसके बाद में हम यहाँ पर पोर्ट्रेट स्टार्ट करेंगे, ड्राइंग स्टार्ट कर देंगे। फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। सो आज हम बनाने वाले हैं सनी डॉल सर की पेंटिंग। सो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, तो जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ऑलरेडी उनका जो ऊपर का पगड़ी था उसका मैंने आउटलाइन बना लिया था ऑब्जर्व करके। सो बाकी कापी बना लेंगे और आपको इसके लिए ड्राॅइंग को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कौन से पॉइंट पर कौन सी लाइन है, तभी ये पूरी की पूरी ड्राॅइंग बन पाएगी और बिल्कुल एग्जैक्ट बन पाएगी। सो उसके लिए आपको ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है पूरी पूरी पेंटिंग को। सो मैं वन बाय वन जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबको देख रही हूँ, अच्छे से लाइंस को ऑब्जर्व कर रही हूँ, कौन सी जगह पर क्या है ये देख रही हूँ उनकी आईज़ के लिए, नोज़ के लिए, और उन्हें परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रही हूँ, बिल्कुल परफेक्ट आउटलाइनिंग ड्रॉ करने की कोशिश कर रही हूँ। सो बिल्कुल ऐसे ही आपको भी करना है। एंड जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे किस किस की फेवरेट है गदर पिक्चर, क्योंकि वो मेरी भी बहुत ज़्यादा फेवरेट है और जल्दी से गदर 2 भी आने वाली है, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उस मूवी के लिए। तो जल्दी से बस ये आउटलाइन थोड़ी देर में कंप्लीट हो जाएगी और इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगनी पड़ती है। तो जल्दी से ये सारी आउटलाइन कंप्लीट होने के बाद में इसमें हम कलर करना स्टार्ट करेंगे। सो इसके कलर के लिए मैंने यहाँ पर पोस्टर कलर्स की हेल्प से पूरी पूरी ड्राॅइंग बनाई है। पोस्टर कलर्स मैंने यहाँ पर यूज़ किए हुए हैं और इसके बाद में मैंने स्टार्ट कर दिया है पोस्टर कलर करना, जिसके अंदर मैंने वाइट का और मस्टर्ड येलो की हेल्प से इनका फेस कलर बनाया है, जिसमें मैंने लाइट शेड लिया है। देन उसके बाद में उनकी फोरहेड साइड में उसे डार्क किया, देन वाइट की हेल्प से हम उसे भी लाइट करेंगे। सो जैसे कि मैंने किया हुआ है आपको बिल्कुल इसे वैसे ही करना है। देन उसके बाद में जहाँ जहाँ भी हमें स्किन का कलर दिखाना है वहाँ वहाँ मैंने मस्टर्ड येलो और साथ में वाइट कलर का मिक्स करके यूज़ किया हुआ है। सो जैसे कि दिख रहा होगा मैं इसमें फोरहेड भी लाइट करना शुरू कर दी हूँ। नेक्स्ट इसके बाद में यहाँ पर हम यूज़ करेंगे ब्राउन कलर का। सो मैंने ब्राउन का बहुत ही हल्का लाइट शेड इसमें यूज़ किया है, जहाँ जहाँ मुझे थोड़ा सा डार्कनेस दिखानी है, डार्क शेडोज़ दिखानी है, मैंने वहाँ वहाँ ब्राउन कलर का इसमें यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। सो मुझे जहाँ भी दिखेगा डार्क शेड, जिस आँखों के पास में या फिर नोज़ के पास में, ईयर्स के पास में, मैं वहाँ वहाँ पर ब्राउन शेड का यूज़ करूँगी। उसके बाद में मैंने ब्लैक की हेल्प से इनकी आईब्रोज़ में कलर करना स्टार्ट किया है, आईब्रोज़ को रियल दिखाने की कोशिश की है। देन उसके बाद में आईज़ पर आए हैं, आईज़ में जहाँ भी उनका ब्लैक था जो कि हमारा एरिया होता है, मैंने वहाँ ब्लैक किया है। जहाँ मुझे शेडो दिखानी थी, थोड़ा डार्कर एरिया था, वहाँ पर मैंने ब्राउन कलर की हेल्प से ब्राउन कलर यूज़ कर दिया है और ये अभी से ही थोड़ा थोड़ा रियल दिखने लगा है। तो देखते हैं आगे के रिजल्ट कैसे आते हैं इसके पूरे पोर्ट्रेट के। सो जल्दी से जल्दी मैंने इसमें जहाँ जहाँ मुझे डार्क शेड देना था वो मैंने दे दिया है। देन उसके बाद वाइट का भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो कि मैंने यूज़ किया हुआ है जगह जगह पर। फिर देन फॉरहेड में जो भी हमारी लाइंस होती हैं, रिंकल्स होते हैं, वो दिखाने की मैंने कोशिश की है, जहाँ पर मैंने रेड का भी और साथ में ब्राउन का भी इस्तेमाल किया हुआ है। देन उसे अच्छे से पानी की हेल्प से ब्लेंड भी किया है। देन उसके बाद में हम इनके और भी एरियाज हैं, जैसे कि नोज़ का एरिया जो हमें ब्लैक दिखाना है, मैंने वहाँ कलर किया है, हल्का सा शेड को कंप्लीट करने की कोशिश की है ताकि बिल्कुल रियल लग सके पेंटिंग। देन उसके बाद में जो इनका बियर्ड था, जो इनकी दाढ़ी है, वो मैंने लाइट
यूज़ किया है ब्लैक कलर, क्योंकि बहुत ज़्यादा डार्क या हैवी नहीं थी पिक्चर में, सिर्फ लाइट लाइट ही मुझे शो करनी थी, इसलिए मैंने बहुत लाइट ही यूज़ किया है। जस्ट लाइक ग्रे कलर का इस्तेमाल किया हो बिल्कुल वैसे ही यूज़ किया है, बहुत ज़्यादा डार्क ब्लैक का इस्तेमाल मैंने इसके अंदर नहीं किया हुआ है। तो जहाँ जहाँ उनकी बियर्ड आ रही है, जहाँ जहाँ उनकी बियर्ड है बनी आई है मैंने वहाँ वहाँ पर ये कलर का यूज़ किया हुआ है ब्लैक का, और वहाँ वहाँ पर मैं वैसे ही उसे कलर कर रही हूँ। जहाँ मुझे डार्क दिखाना है मैं वहाँ डार्क दिखा रही हूँ, जहाँ मुझे लाइट दिखाना है वहाँ मैं लाइट दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, बहुत सारा प्यार देना मत भूलना, और बहुत सारी जितनी भी मैंने वीडियोस अपलोड किए उन सबको भी जल्दी से जाके देखो, उनमें भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। और पूरी की पूरी वीडियो को, पूरी की पूरी ड्रॉइंग को एंड तक ज़रूर देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना वरना समझ में नहीं आएगी। या फिर रेड कलर का, या फिर आप रेड में हल्का सा वाइट कलर मिक्स करके भी लाइट कलर का लिप का शेड बना सकते हैं, तो मैंने वैसे ही बनाया है एंड देन उसे करना स्टार्ट कर दिया है। जहाँ मुझे थोड़ी सी शेडो दिखानी थी वहाँ मैंने ब्लैक कलर का भी इस्तेमाल किया हुआ है, जैसे कि आपको ऑलरेडी शो हो रहा होगा कि मैंने इसमें करना स्टार्ट कर दिया है एंड लिप्स ऑलरेडी कम्प्लीट हो चुके हैं। देन उसके बाद भी उनका जो नेक एरिया है वहाँ जहाँ भी शेडो है या भी ब्लैकनेस मैंने दिखानी है, मैंने वहाँ वहाँ ब्लैकनेस दिखाना शुरू कर दिया है। देन उसके बाद में अब हम आएंगे उनकी पगड़ी पर, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि बहुत ही अच्छा दिखाना है। तो हमने वहाँ पर रेड कलर स्टार्ट कर दिया, तो सबसे पहले मैंने पानी की हेल्प से लाइट लाइट रेड कलर का शेड पहले पूरे में डाला हुआ है, क्योंकि उसके बाद जब रेड का हम डार्क शेड डालेंगे तो और भी अच्छा ही लगेगा, लेयर बाय लेयर काम जो करना है हमें। सो नेक्स्ट उसके बाद में जो उनके कपड़े का दिखाया है मैंने साइड में, वहाँ पर मैंने ब्लैक कलर का इस्तेमाल किया हुआ है, और जहाँ मुझे थोड़ा बहुत शेडो और एडअप करनी है वहाँ भी मैंने ब्लैक कलर का यूज़ किया हुआ है, क्योंकि ब्लैक तो फेवरेट कलर है। सो नेक्स्ट उसके बाद में अब मैंने डार्क करना शुरू कर दिया है उनकी पगड़ी में, जिसमें मैंने हल्का सा ब्राउन और ब्लैक का शेड और रेड का थोड़ा सा मिक्सचर बना के ही ये कलर किया हुआ है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डार्कर दिखाना था, थोड़ा सा और भी ज़्यादा थोड़ा सा डार्क शेड दिखाना था रेड का, प्रॉपर रेड शेड मुझे नहीं शो करना था, इसलिए मैंने वो करना स्टार्ट कर दिया है। ऑलरेडी कितनी रियल लग रही है ना। सो देन उसके बाद मैं इसमें शेड डालना शुरू कर दूंगी वन बाय वन, हल्का सा डार्कर का और ज़्यादा डार्क होता जाएगा। देन उसके बाद में यहाँ पर नीचे साइड में जो उनका आखिरी पार्ट है पगड़ी का, वहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लैक का, जो कि बहुत डार्क शेड मैंने यूज़ किया था। देन हल्का सा ब्राउन भी यूज़ किया था क्योंकि मुझे थोड़ा सा दिखाना था। देन उसके बाद में मैं यहाँ पर रेड भी यूज़ करूँगी और उसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी, ताकि जो ऊपर वाला शेड है वैसा ही शेड कुछ नीचे भी मैं लेके आ सकूँ, या थोड़ा सा वहाँ से डार्क में लेके आ सकूँ। तो मैंने यहाँ पर यूज़ किया रेड कलर और अच्छे से सबको ब्लेंड कर लिया है, ब्लैक ब्राउन और रेड को, जिससे मैं थोड़ा सा डार्कर शेड यहाँ पर लेकर आ सकूँ। देन उसके बाद हल्का सा वाइट कलर का भी इस्तेमाल किया हुआ मैंने थोड़ा थोड़ा, जो कि आपको दिख रहा होगा मैं कर रही हूँ उस टाइम पर। देन उसके बाद उसे अच्छे से मैंने ब्लेंड कर लिया है। देन उसके बाद मैं हल्का सा वाइट से लेके मैं यहाँ पर जो उनकी पगड़ी है वहाँ पे मैं हल्का हल्का शेड भी ड्रॉ कर दूँगी। देन उसके बाद में मैंने इनकी आँखों में भी जो हमारा वाइटनेस, जो हमारी लाइट दिखती है वो रियलिटी जिससे हमारी आती है, वो मैंने बना दी है। देन उसके बाद में वाइट हल्का सा जो कि शेड मैंने बताया था वो मैंने डाला है दोनों साइड में, और फिर ब्लैक का भी इस्तेमाल करके उस शेड को अच्छे से ब्लेंड कर दिया है, ताकि उसके अंदर भी हमारी जो सलवटें होती हैं, जो हमारी पगड़ी बांधी जाती थी स्टाइल में, वो ही चीज़ सेम निकल कर आ सके। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि इसमें लाइनिंग्स आ गई, तो एकदम क्लियर दिख रहा होगा कि ये कैसे बना है, और पगड़ी हमारी जो है किस तरीके से बंधी होती है, उसी शेप में एक हमारा लुक आना शुरू हो गया है। देन उसके बाद में नेक एरिया में जो भी लाइटनेस है उसको मैं थोड़ा सा और डार्क कर रही हूँ, क्योंकि मुझे हल्का सा डार्क दिखाना था, तो मैंने थोड़ा सा और डार्क का यूज़ किया हुआ है। सो ये पेंटिंग ऑलमोस्ट थोड़ी देर में बस कंप्लीट होने वाली है। जहाँ जहाँ भी डिटेलिंग्स ऐड करनी है, या थोड़े बहुत हाईलाइट्स दिखाने हैं, या कहीं कहीं पेंटिंग में जो भी चीज़ें रह गई हैं वाइट का इस्तेमाल या ब्लैक का इस्तेमाल कलर का, सो मैं वो करूँगी, और जहाँ जहाँ मुझे थोड़ा और डार्कनेस दिखानी है वहाँ वहाँ मैं दिखाने की कोशिश करूँगी। सो बेसिकली एक चीज़ ये भी है कि जब आप लाइट कलर यूज़ कर रहे हैं देन उसके सूख जाने के बाद ही अगर आप डार्क यूज़ करेंगे तो वो अच्छे से काम देगा, अगर आप उसमें ही शुरू कर देंगे लाइट में ही डार्क देने कोशिश करेंगे तो बार बार पानी की वजह से लाइट होता रहेगा। सो इसलिए थोड़ा सा वेट करें, पेशेंस रखें, क्योंकि पेशेंस ही पेंटिंग को बहुत भी ज़्यादा अच्छा बनाती है। सो पेशेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है।
सो उसके बाद में जहाँ भी मुझे वाइट कलर की थोड़ी डिटेलिंग देनी थी वहाँ वहाँ मैंने देने की कोशिश की है। हल्का सा नोज़ में रेड कलर भी मैंने इसमें लगाया है क्योंकि मुझे थोड़ा सा रेड में दिखाना था क्योंकि पेंटिंग में ऑलरेडी रेफरेंस में था। इसके बाद में मैंने अपना इसमें एक तड़का ऐड किया जो कि आपको दिख रहा होगा येलो कलर का। देन उसके बाद में पूरी पेंटिंग को कंप्लीट कर दिया है तो ऑलमोस्ट हमारी पेंटिंग रेडी हो चुकी है। तो जल्द से जल्द देख लेते हैं। रुको जरा, सबर करो।